और अनोखा जी क्या कर रहे हो? देख सकते दोस्तों मेरी बीवी क्या कर रही है। मेरे बहुत सारा काम पड़ा है, मेरे को चावल भुजना है, फिर खाना है, फिर धोना है। क्या आपको भूख लगी है इतनी हाँ, रात बहुत को? तेज भूख लगी है, एकदम जोरों से जोरों से भूख लगी चूहे है? कूद रहे पेट में। हाँ, हाँ, अब तो हेल्प करने दोगे? अरे बीवी देखो, आप तो मेरी बीवी हो ना, फिर आपका काम है ना, तो घर का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो भाषण करने क्यों आ रहे हो? अब जाओ, मैं यहाँ से नहीं बना रही हूँ। अरे ये सब क्या है? ये सब मिर्ची है, करी पत्ता है, चावल भुजने के लिए। अच्छा, चावल भुजने की इतना भूख लगा है आपको? आप तो कभी तो करके दिए नहीं, बना के दिए नहीं, तो क्या मैं खुद भी नहीं करूँ? नहीं अच्छा, करूँ? आप अगर काम पे जाते हो तो क्या घर के काम नहीं कर सकते? बताइए। मैं क्यों करूं? हाँ, मैं तो पति परमेश्वर हूं, मुझे घर का काम कैसे करने आएगा, आप ही बताइए। मैं सिर्फ आपकी आरती उतार दूँ ऐसे? नहीं, पति हाँ, परमेश्वर हूँ। चावल का क्या करोगे? पूछना है कितने बार बोलूँ? अच्छा, इसीलिए निकाल रही चावल इसमें से, फ्राई बासी कर रही हूँ। चावल? हाँ, फ्राई, बासी चावल नहीं, ताजा है, बनाई हूँ। क्या बात कर रहे हो? बासी खत्म हो गई ना, इसके लिए चावल को फ्राई करना है अभी। अब क्या करूँ, पैसा भी नहीं कुछ बाहर से लाने के लिए, खरीदने के लिए। इसके लिए मैं सोची चावल को ही फ्राई कर देती हूँ, फिर खा लूंगी। आप एक तब तक काम कीजिए, मैं बता रही हूँ काम आपको। घर हाँ में झाड़ू पोछा करना है, वो थोड़ा सा बिछाने बिछाना है, और हाँ हो सके तो मेरे को खा के हो जाएगा ना, तो आप थाली धो देना बस। क्या? टाटा, बन गया मेरा खाना, देख सकते हैं। अब मैं खाऊंगी, बहुत जोर से भूख लगी है। अब चलो, खाओगे आप भी? आप तो घर का काम करते नहीं, इसके लिए मैं खाऊंगी, आपके लिए नहीं बनाएंगी, समझे ना? मैं अपने लिए बनाएंगी। मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी, अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। आप एक बात बताइए, आपको हाँ मैं जो बोली थी वो किया क्या आपने? हाँ बस वो झाड़ू पोछा करना था ना मुझे। हाँ, हाँ बस अभी 1 घंटे बाद करने ही वाला हूँ, पहले खाना खा लूँ। खाना मैं आपके लिए नहीं बनाने वाली, देऊंगी भी नहीं, इतना सभी नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगी, थोड़ा सा दे दो ना। नहीं दूंगी, क्यों? नहीं दूंगी। मैंने जो बोली थी वो तो किया नहीं, आ गए खाना मांगने मुंह उठा के। हाँ ना, दे सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही करते मेरे हस्बैंड, ऐसे ही करते, कुछ नहीं करेंगे और आ जाएंगे खाना मांगने के लिए। हाँ ना, मैं नहीं दूंगी। तो दोस्तों, मैं खाने के लिए बैठ चुकी हूँ, एक गर्म है, इसके लिए मैं ठंडा होने के लिए डाल देती हूँ। रख देती हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट तो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं खाऊंगी। आईना रखा है थोड़ा, सकल देख लूँ अपना खोबड़ा कैसा लग रहा है। देखा दोस्तों, आईने में कुछ करे ना करे, लेकिन ये आईने में अपना शक्ल जरूर देखती रहेगी। क्या दोस्तों, मैं अच्छी नहीं हूँ जो? बताइए तो कमेंट करके। हाँ, तू तो बहुत बड़ी हीरोइन है ना। अरे मैं तो खुद अनोखा हीरोइन हूँ, समझे ना? नाम नहीं जानते है क्या मेरा? आप कहीं भी जाके देख लो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी देख लो, सिर्फ अनोखा भाभी है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। अब मेरा खाना भी ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब चलते खाना खाने के लिए। क्या आपको भी खाना है तो आ जाइएगा हमारे पास।